आज जो इस देश में जात और धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, इंसानों को जो इंसान से बांटा जा रहा है, आपको लगता है कि ये देशभक्ति है? अगर आपको नहीं लगता है कि ये देशभक्ति है तो आप इसका विरोध करेंगे, और आप जब इसका विरोध करेंगे तब आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। और एक आईएएस ऑफिसर कर्नल गोपीनाथन आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देख लीजिए। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आप पत्रकार होते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं, सैकड़ों पत्रकारों को सच्चाई लिखने के चलते उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। आप अगर सच लिखेंगे, सच बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा और फर्जी मुकदमे लगा करके आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। देश के तमाम युवा नेताओं को आप देख लीजिए, डॉक्टर वकील खान से लेकर के वो तमाम लोग जो आज सच बोलते हैं, आज उनको जेलों में बंद करके छोड़ दिया गया है। सरकार ने तमाम अपनी चीजों को गुमराह करने के लिए, जो उनकी असफलता है उसको गुमराह करने के लिए रोज हमारे बीच में एक नया एजेंडा फेंकती है। अभी एजेंडा क्या आया है कि सीएए के समर्थन में और सीएए के विरोध में रैलियां हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत है? वो कानून ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसको उस कानून से दिक्कत है वो लोग उस कानून का विरोध करेंगे। असल मसला क्या है? मसला ये है कि दिन रात जो हमारे टेलीविजन पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को इस देश के गली मोहल्लों में उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और गांधी के इस देश में, अंबेडकर के इस देश में, भगत सिंह के इस देश में इंसानों को आपस में लड़ा करके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आत्मसम्मान के सवाल को गुमराह किया जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि कैसे ये जो साजिश है उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आप तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में हिंदुओं को नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग बिहार के लोग जो ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोग किसी भी धर्म को, ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये मौलाना मजहरुल हक की धरती है, ये पीर अली की धरती है, इस धरती पर क्या आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के इंसान को नागरिकता देने के खिलाफ है क्या? हाथ उठाकर के जोर से बोलिए। तो ये झूठ क्यों हो रहा है? हम किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं है, बल्कि नागरिकता देने के नाम पर एनआरसी और एनपीआर की साजिश के द्वारा इस देश के लोगों को जो नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी विरोध को, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये सारी बात की दादियों से डर गए हैं, और उसको बदनाम करने के लिए दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। ये नफरत लगातार लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है ताकि इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई है, और नौकरियां नहीं मिलने के दबाव में ये आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि दोस्त अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस परिवार से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है।
और गोल से जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। खुलेआम लोगों को भड़काने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता है, और जब एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे 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 लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनकर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो CAA-NRC-NPR का विरोध कर रहे हैं, और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है।